तो गाइज इन केस अगर आप इंडियन नेवी की तैयारी करना चाहते हो तो परीक्षा ऐप आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे वो एकदम एग्जाम लेवल होंगे, उसी तरीके से सब कुछ होगा और बिल्कुल एग्जाम वाली फील आपको मिलेगी। सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा और 8 घंटे बाद आपको एक रिपोर्ट भी मिलेगी। उस रिपोर्ट में क्या होगा भाई, उस रिपोर्ट में एक डाटा होगा, उसमें बताया जाएगा कि आपका ऑल इंडिया लेवल पे रैंक क्या था। उससे आप देख करके अपने आप को समझ पाओगे कि आपका जो एक लेवल है वो किस तरीके से है और आपको उसमें क्या क्या डेवलप करना है। देखो आप एयरफोर्स के लिए भी जा सकते हो, एनडीए के लिए भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप लेना तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू ओपन करना, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद डिफेंस सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद जिसे भी लेना है, एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए, तो आपको लेते टाइम ये कोड डालना है ABSTUDY50। इसे डालोगे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो अभी तो थोड़े कम प्रैक्टिस सेट्स हैं लेकिन इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकते हैं और ये जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक खत्म नहीं होगा। तो आप प्लीज जाओ लगाओ। और एक और चीज, ये नहीं कि सर बोल दिए तो ले लिया, नहीं भाई, आप जाकर के देख सकते हो, डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है, तो पहले डेमो लगा लेना, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो लेना, अदरवाइज छोड़ के चले जाना, है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चेक जरूर करना। चलो अभी शुरू करते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। जस कैसे हो, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। आज सुबह सुबह ही इंडियन नेवी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बड़ी अपडेट रिलीज कर दी है। क्या है अपडेट, क्या चीजें हैं और क्या चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, उसके बारे में बताने वाला हूं, बताऊंगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडियन नेवी AMR SSR AA की बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो मेरी जो क्लासेस है ना वो अनअकैडमी पे भी आ गई हैं। अब अगर अनअकैडमी पे मुझे ज्वाइन करते हो तो यहां पे एक ऑफर भी है। अभी अगर आप ज्वाइन करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे प्रोफाइल का, साथ ही साथ एक जो मेरी कल की स्टैटिक जीके की क्लास है जो कि लाइव है उसे देख सकते हो, डेमो क्लास की तरह देख सकते हो, देखने का लिंक है, तो उसके थ्रू जाकर के आप ज्वाइन करना सब कुछ डाल करके। और ऐप के थ्रू जब आप ओपन करोगे ना, ओपन करने के बाद आपसे जब क्लास देखने की कोशिश करोगे मेरी क्लास, तो आपसे कोड पूछा जाएगा, उस कोड के जगह पे डाल देना ABSTUDY10। क्या डालना, ABSTUDY10 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ये कोड डाल, उसके बाद इनरोल कर जाना क्लास में और क्लास को बिना रुके आप एटलीस्ट 25 मिनट्स देखना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि कैसी क्लास है। और एक और चीज, ये करते ही आप एक बार फिर से नॉमिनेट हो जाओगे किस चीज के लिए, वो ईबुक के लिए। फ्री ईबुक्स बहुत जल्दी आने वाली हैं आप सभी लोगों के लिए, तो आप जल्दी से जाओ अनअकैडमी पे ज्वाइन करो, जनवरी तक ही मौका है, जल्दी से जाकर के वहां पे फायदा उठाओ, आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। अभी इतने लोगों को मैं चुन रहा हूं, जाकर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब शुरू करते हैं और बात करते हैं टॉपिक पे। चलो यहां पे जो करंट इवेंट्स है, यहां पे एक बड़ी अपडेट है, वो क्या है आप लोगों को दिखा देता हूं। तो इंडियन नेवी की तरफ से दो अपडेट्स आई हैं। पहली ऑफिसर एंट्री जो कि एसएससी एग्जीक्यूटिव ब्रांच स्पोर्ट्स एंड लॉ, ये वाला नहीं था अपडेट हम लोग के सामने, लेकिन ये जो हमारी बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम थी इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जो कि जुलाई 2021 का ऑनलाइन फॉर्म है। तो हम आपको दिखा देते हैं एसएससी एग्जीक्यूटिव ब्रांच स्पोर्ट्स एंड लॉ है और इससे रिलेटेड क्या चीजें जो कि सेलर से रिलेटेड हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूं कि ये जो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 29 जनवरी 2021 से लेकर के और 7 फरवरी 2021 के बीच में है। एसएससी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जिसमें कि 29 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में ऑनलाइन होगा और ये जो है जून 2021 बैच की कोर्स है। दैट इज द मेन थिंग जो कि आप लोगों को समझनी है जून के लिए। और जो वो वाली है यानी कि कैडेट एंट्री स्कीम है वो किसके लिए है, वो जुलाई के लिए है। किसके लिए, जुलाई के लिए है। अब आपको समझने की जरूरत ये है कि अगर आप सोचते हो इंडियन नेवी AMR SSR AA के नोटिफिकेशन के बारे में, तो आपको बता दूं कि जो आपका डबल एंड एसएसआर के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा वो अगस्त 2021 बैच का होगा, क्योंकि अब यही पॉसिबल है, फरवरी तो पॉसिबल है नहीं, तो अगस्त 2021 बैच। और अगर बात की जाए एमआर के लिए तो एमआर होगा अक्टूबर 2021 बैच, तो अगस्त और अक्टूबर 2021 बैच, अभी है जनवरी। तो आप लोग ये चीज समझ लो कि अगर जुलाई जून बैच के लिए जो नोटिफिकेशन है रिलीज कर दिए गए हैं, दैट मींस कि बहुत ही जल्दी सेलर AMR SSR AA के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर दिए जाएंगे। बाय द वे इसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको एक बार दिखा देता हूं, क्या है एक बार ओपन कर लेते हैं और दिखा देता हूं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन, दिस इज द नोटिफिकेशन ऑफ द बैच स्पोर्ट्स एंड लॉ टेक्निकल ब्रांच नवल कंस्ट्रक्टर एंट्रीज जून 2021 कोर्स। आपकी स्क्रीन पर है सब कुछ, एज और बाकी सब जो क्रिटेरिया है, वैकेंसी जो है वो सब कुछ आपकी स्क्रीन पर है और ऑनलाइन आप देख ही रहे हो। एक और चीज आपको बता दूं कि जो नवल कंस्ट्रक्टर है इसके लिए जो है 10 फरवरी 2021 से 18 फरवरी 2021 के बीच में ऑनलाइन अप्लाई डेट है। तो आप मान के चलो कि फेब में नोटिफिकेशन इसके लिए भी रिलीज हो जाएगा और
भी आने वाले टाइम में या फिर इसी टाइम पे हो जाए एक दो दिनों में। और ये चीज आप समझ लो कि सेलर MRSSR एंड डबल के लिए जो वैकेंसीज होगी वो बहुत ही जल्दी रिलीज कर दी जाएगी। और ये आप लोग समझ लो ना, ये आप लोग जान लो कि आपकी जो वैकेंसीज होगी ना वो फरवरी में रिलीज हो जाएगी। फरवरी में आपका ऑनलाइन प्रोसेस जरूर हो जाएगा कंप्लीट, ये पूरी पूरी चांसेस हैं। आप लोग इस चीज को ध्यान रख लेना और इसी के मद्देनजर रखते हुए तैयारी करना। एक और चीज आपको बता दूं कि मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका एग्जाम अप्रैल तक, अप्रैल के शुरुआत में ले लिया जाए या फिर मई में भी लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि आपका अप्रैल में एग्जाम ले लिया जाएगा और उसके बाद मे भी मई में आपका फेज टू हो जाएगा, जो आपका फेज टू होता है। और फेज टू होने के बाद जो है अगस्त में वो लोग जो है अगस्त बैच ना है SSR डबल ए के लिए, तो SSR डबल ए के लिए तो थोड़ी सी जल्दीबाजी है, लेकिन अक्टूबर 2021 बैच यानी MR का जो है उसके लिए तो एकदम रिलैक्स होकर वो लोग काम कर सकते हैं। तो आप लोग ये समझ लो कि आपके लिए वैकेंसीज अब यूं आने वाली है, बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो अब तैयारी पे अपनी पूरी फोकस कर दो, पूरी मेहनत, पूरी जान लगा दो, जितना आप लोगों ने वेट करा है। अब एक और चीज आपको बता दूं कि कोविड से बड़ा एग्जांपल कुछ नहीं होगा कि आपके लिए कुछ भी कांस्टेंट नहीं है लाइफ में। किसी भी चीज को अगर आप कांस्टेंट मान के चलते हो कि ये आज है तो कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, पर उसके अगले दिन भी रहेगा, तो ये आपकी भूल है। प्रेजेंट को जियो, प्रेजेंट में जो चीजें हैं उसको जियो। और अभी भी कुछ लोग पूछते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मुझे कितने चांसेस मिलेंगे? भाई मैं यही बोलूंगा कि आपको एक चांस मिल रहा है ना, एक चांस जो कि आपका फुल चांस है ना, उसी को फुल बनाने की कोशिश करो। रही बात डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा और समझाऊंगा कि क्या चीजें हो सकती हैं आपके लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए। अभी के लिए ये अपडेट थी जो कि मुझे बतानी थी। तो आप समझ लो कि फरवरी में मिड फरवरी में ये समझ लो, और ये समझ लो कि आपके लिए ज्यादा टाइम नहीं, 10 दिनों का मे भी टाइम मिले ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। मार्च अप्रैल, अप्रैल तक जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम हो जाए। क्या पता ये लोग ऐसा ना कर दें कि जो NDA एंड एयरफोर्स का एग्जाम है उसके बाद लास्ट अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट करा लें और उसके बाद इनका जो रिजल्ट है वो तो बहुत जल्दी रिलीज कर देते हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं। और वैसे भी ये लोग बाकी सब चीजों के लिए तैयार हो चुके होंगे, अभी कोविड का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है, तो अब तो कोई चीज जो नहीं है जो कि रोक रही है वैकेंसी रिलीज करने से। और वैसे भी जो लास्ट डेट है जो कि वहां पे दिया गया था कि किसी भी फेक एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन से दूर रहे उसके लिए 31 जनवरी है, 31 जनवरी 2021, तो अभी वो डेट भी आ चुकी है। तो अब सारी डेट्स नजदीक हैं, सब कुछ नजदीक है, बस मेन चीज क्या है, मेन एम क्या है, मेन फोकस क्या है, मेन चीज यही है कि आप किस तरीके से फोकस्ड रहते हो, आप किस तरीके से उस चीज पे जो आपको चाहिए, लाइक MR चाहिए तो मुझे MR चाहिए ही चाहिए, SSR डबल चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए। ये चीज नहीं है कि SSR में जाना था डबल ए के लिए तैयारी करने लग गए या फिर डबल ए में जाना था MR की तैयारी करने लग गए। एक लक्ष्य अभी से निर्धारित कर लो, उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो और अनअकैडमी पे जाकर जुड़ो, वहां पे तो तैयारी हो ही रही है, यहां पे भी वीडियोस आ रही हैं, तो सब कुछ आपके लिए है। अब आपको क्या चाहिए, आपको कैसे करना है वो आपको देखना है, खुद को खुद ही डिसाइड करना है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो, इतने तो समझदार आप लोग हो ही। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, आपको वीडियो सब कुछ समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और चीज बता दूं कि अनअकैडमी पे ये ऑफर है, जाकर वो जो कोड है ABSTUDY10 वो जरूर यूज कर लेना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, जल्दी से जाओ और यूज करो और फायदा उठाओ अनअकैडमी पे भी। चलो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच गाइज़।